गाइस बॉल पेन तो हर कोई यूज करता है, लेकिन आपको पता है कि बॉल पेन की शोध किसने की है? चलिए जानते हैं उसी टॉपिक पर। बॉल पेन का आविष्कार 1931 में लैडिस्लाव जोसबीरो द्वारा किया गया था। जी हाँ गाइस, ये नाम थोड़ा आपको अतरंगी लगेगा, लेकिन इन्होंने ही आविष्कार किया है, जिनके नाम पर इस पेन को बीरो पेन के नाम से जाना जाता है। लैडिस्लाव जोसबीरो का जन्म 1899 में हंगरी के बुडापेस्ट शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, और वे पेशे से पत्रकार, चित्रकार और आविष्कारक थे। बाद में उन्होंने अपना नाम लाजियो जोसेफ बीरो रख दिया था और वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। जोस बीरो फाउंटेन पेन से लिखते समय होने वाले धब्बों से बहुत परेशान थे, अतः उनके मन में एक ऐसा पेन बनाने का विचार आया जिसकी स्याही जल्दी सूख जाती हो और लिखने पर धब्बे भी ना पड़े। हंगरी में पत्रकार के रूप में कार्य करते समय उन्होंने देखा कि अखबार की छपाई में जिस स्याही का उपयोग किया जाता था वह जल्दी सूख जाती थी एवं उससे कागज पर धब्बे भी नहीं पड़ते थे। इसके लिए उन्होंने फाउंटेन पेन में जल्द ही सूख जाने वाली स्याही का उपयोग किया था, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ क्योंकि स्याही बहुत मोटी थी जिससे निब की नोक तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। गाइस, उन्होंने बॉलपेन निब का आविष्कार किया था जिस पर स्याही की एक पतली फिल्म लेपित की गई थी, और जब निब का कागज के साथ संपर्क होता था तो इसकी गेंद बॉल ऑफ निब घूमने लगती थी और कार्टेज से स्याही प्राप्त करती थी जिससे लिखने का काम होता था। वर्तमान समय में बॉलपेन की निब सामान्यतः पीतल, स्टील या टंगस्टन कार्बाइड जैसे धातुओं से बनता है। जोस बीरो ने स्याही श्यानता चिपचिपाहट वाली स्याही के लिए अपने भाई जॉर्जियो बीरो की मदद ली थी, जिनकी दवाई की दुकान थी। इस जोड़ी ने 15 जुलाई 1938 को इस पेन को बीरो नाम से पेंटेड करवाया था। इस पेन का सबसे पहला खरीदार ब्रिटेन का रॉयल एयरफोर्स था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इस संगठन ने 30,000 बीरो पेन का ऑर्डर दिए थे, क्योंकि यह पेन पारंपरिक फाउंटेन पेन के मुकाबले अधिक ऊंचाई पर आसानी से काम करता था। लैडिस्लाव जोसबीरो द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे पहला लोकप्रिय BIC क्रिस्टल बीरो पेन ये रहा। गाइस, मैं हूँ किशन रावल और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट। पसंद आया तो लाइक करें, न्यू फैमिली मेंबर है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।